रश्मि देसाई उन लोगों में से नहीं है जो रातों रात सुपरस्टार बन गई। रश्मि देसाई उन लोगों में से है जो एक आम जिंदगी से स्ट्रगल करते 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 जिन्होंने इंडस्ट्री में अपना नाम हासिल किया है और हर रोज मेहनत की है उस नाम को बरकरार रखने की। जी हाँ, इस वक्त रश्मि देसाई का एक इंटरव्यू सॉलिड तरीके से वायरल हो रहा है और इस इंटरव्यू में रश्मि देसाई बात करते वक्त इमोशनल हो गई। ना सिर्फ इमोशनल बल्कि रश्मि देसाई ने लगातार कई बार अपने यू नो सक्सेस स्टोरीज को, अपने फेलियर्स को शेयर किया है, लेकिन इस बार जिस तरीके से शेयर किया है आप भी इमोशनल हो जाएंगे। वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू सिने स्पीक्स। मैं हूँ ज्योति नाहक। आप चाहें तो इंस्टा पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं, ज्योति नाहक 7 इज माई इंस्टाग्राम आईडी। इस वक्त रश्मि का ये इंटरव्यू जो कि बीबीसी हिंदी के साथ है और ये इंटरव्यू इस वक्त बेहद वायरल हो रहा है। इस इंटरव्यू में रश्मि देसाई नजर आ रही हैं जहां अपने स्ट्रगल डेज के बारे में बात करते हुए कि एक वक्त ऐसा था जब मेरे फादर गुजर गए, मेरी मॉम ने अकेले हम सभी को पाला पोसा और इट्स नॉट इजी फॉर अ सिंगल मदर, और हमारे लिए उस दौरान 100 रुपए या 200 रुपए या 1500 रुपए भी बहुत मैटर करते थे। तो मैंने किस तरीके से एज अ डांसर अपना करियर शुरू किया, इसी के साथ साथ रश्मि देसाई ने इसके आगे कई और बातें बताई। चलिए एक झलक उसकी आपको दिखाते हैं। सिद्धार्थ के साथ जब मैंने शो किया था उसने मुझे बहुत, सिद्धार्थ शुक्ला को भी उन्होंने काफी याद किया, काफी बातें की उन्होंने। लेकिन इसी के साथ साथ आपको बता दें कि रश्मि जो है वो लगातार अपने जर्नी को लेकर काफी कुछ शेयर करती नजर आई। इस पूरे इंटरव्यू में रश्मि देसाई ने कहा कि कई दिन ऐसे भी रहे हैं लाइफ में जहां पर उन्होंने 3-3 दिन तक उनके पास सोने के लिए जगह नहीं होती थी, वो कार के अंदर सोई है और बाहर लोगों को लगता था कि रश्मि देसाई इज अ सुपरस्टार। लेकिन अल्टीमेटली जब मैं घर जाती थी, घर भी नहीं थी मेरे, छत मेरे ऊपर घर नहीं था, छत नहीं थी मेरे सर पर, और यू नो 2-3 दिन ऐसे हुए हैं लाइफ में जब मैंने खाना लिटरली, मेरे पास खाने के लिए कुछ होता नहीं था। एक अगर वड़ा पाव घर पर आता था तो उसके भी 3 टुकड़े होते थे क्योंकि इतनी तंगी हम सभी ने देखी है और उस तंगी से हम निकले हैं। कहीं ना कहीं मैं अपना बचपन नहीं जी पाई अच्छे तरीके से, ऐसा रश्मि देसाई का कहना है। और ये इंटरव्यू इस वक्त काफी वायरल हो रहा है। आपको इस पर क्या है कहना, आप बताइए हमें कॉमेंट सेक्शन में। मैं